एटा में रविवार को संदीप जैन एडवोकेट जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पुत्र बिट्टन लाल जैन निवासी कैलाशगंज थाना कोतवाली नगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित शिकायत की कि शनिवार को समय करीब 4:30 बजे स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त एक पत्र में उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है तथा ना देने पर वादी व वादी के परिवारी जनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया। सोमवार को थाना कोतवाली नगर व देहात पुलिस तथा SOG टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए पुत्र जयपाल सिंह निवासी घिलोआ थाना कोतवाली देहात व धनंजय यादव पुत्र भूपेंद्र यादव निवासी घिलोआ थाना कोतवाली देहात को घिलोआ तिराहे के पास से समय करीब 10 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।